बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज उस जो हमने डिस्कस किया है उसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, व्यू करते हैं, देखते हैं कि प्रोसेसेस से हम या प्रोसेसेस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस तो आपको जैसे पता है कि एक कोई भी टास्क है, कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जॉब इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो प्रोसेस चेक करने के लिए कमांड है पीएस कमांड। ठीक है, पीएस इसमें बेसिकली आपको प्रोसेस आईडी, टर्मिनल टाइम कमांड के जॉब्स की इंफॉर्मेशन आप को व्यू कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में अगर देखें, सारे प्रोसेसेस देखना चाहते तो हम पीएस स्पेस ऑल से भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेस ऑल का मतलब ये है कि ये इस जो करंट यूजर्स या इस करंट टर्मिनल है उसकी उसके उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो हमें शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और कमांड है पीएस माइनस ईएफ, पीएस स्पेस माइनस ईएफ। इससे ये होगा कि सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सब शो करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस बेसिकली है क्या? प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जॉब रनिंग जॉब को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हर प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, और हर प्रोसेस का एक पैरेंट प्रोसेस भी होता है, हर प्रोसेस का। ठीक है, अच्छा सवाए इस सिस्टम डी के। ठीक है, ये सिस्टम डी कौन सा प्रोसेस है? ये नीड प्रोसेस है। इसकी देखें प्रोसेस आईडी जो है वो प्रोसेस आईडी इसकी 1 है। ठीक है, और इसकी पेरेंट प्रोसेस आईडी 0 है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जो कि सिस्टम ने सिस्टम कर्नल ने स्टार्ट किया हो तो उसकी जो उसकी पेरेंट आईडी नहीं होगी। ठीक है, या इनिट इनिट प्रोसेस बेसिकली जो पहला प्रोसेस है इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस, उसकी जो उसकी पेरेंट आईडी नहीं होती। ठीक है, उसकी जस्ट प्रोसेस आईडी होती है, बाकी जितने भी प्रोसेसेस होंगे उनकी पेरेंट आईडी होगी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं प्रोसेसेस, कुछ ब्रैकेट में हैं और कुछ जो है वो ब्रैकेट के बगैर है। ठीक है, तो ब्रैकेट के प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जो कर्नल ने स्टार्ट किए हैं, मतलब जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं, ये वो कर्नल है। या ऑटो स्टार्ट ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑटो स्टार्ट, लेकिन जो कर्नल से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं तो वो जो है वो आपको ब्रैकेट में शो होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है जी, ओके। तो हर प्रोसेस की जो प्रोसेसेस आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रोसेस आईडी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है आप उसको चेक करना चाहते हैं या उसको मैनेज करना चाहते हैं, उसको व्यू करना चाहते हैं, उसकी पेरेंट आईडी, उसकी प्रोसेस आईडी, उसके प्रोसेस की पेरेंट आईडी आप चेक करना चाहते हैं, कमांड एटसेट्रा, तो वो आप किस तरह से करेंगे? लेट्स से एक मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होगा कैसे? मैंने पता है जॉब इन एग्जीक्यूशन एक एप्लीकेशन है, जीनोम कैलकुलेटर, जीनोम कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही लिख के एंटर करता हूँ, अब ये देखा कि आपने ये एक कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेटर होने ओपन होने के बाद शेल में, जिस शेल में मैंने ये प्रोग्राम रन किया है उसमें देखिए, अब ये मेरे पास जो है ना, मैं कोई और कमांड अब लिख नहीं सकता, तो ये जो प्रोसेस है ये फॉरग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है,
दूसरे प्रोसेसर जो हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, जैसे ये जो प्रोसेसर हैं जो ऑटो स्टार्ट हो गए हैं सिस्टम के साथ, ये बैकग्राउंड प्रोसेसर हैं, ये चलते ही रहेंगे, ठीक है, और ये है फॉरग्राउंड प्रोसेस, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसको हमने चेक करना है कि कैलकुलेटर की प्रोसेस आईडी या कैलकुलेटर को कौन सी प्रोसेस आईडी असाइन की गई है। तो उसके लिए हमने कल कमांड एक यूज की थी, आप दूसरा कोई भी टर्मिनल इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ओपन टैब न्यू टैब, ये हमारे पास दूसरा टर्मिनल आ गया, ठीक है। अच्छा, एक कमांड है पी ग्रेप, ठीक है, प्रोसेस ग्रेप, और हम यहाँ पर लिखेंगे जीनोम डैश कैलक्यूलेटर, स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा, पी ग्रेप प्रोसेस ग्रेप, या इसको हम ऐसा लिखते हैं कि चले इससे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं पी एस माइनस ये पाइप ग्रेप कैलक्यूलेटर, ठीक है जी। देखिए कैलकुलेटर, ये जीनोम कैलकुलेटर, और किस यूजर ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये इसकी जो है वो प्रोसेस आईडी है, ठीक है, प्रोसेस आईडी। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोसेस पी एस ऑल, इसमें देखें कि ये प्रोसेस आईडी है, ये इसकी पैरेंट प्रोसेस आईडी है, एक एप्लीकेशन में या एक जो प्रोग्राम है वो हमने चलाया है जीनोम कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये इसकी प्रायोरिटी है, ये इसकी नाइस वैल्यू है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में, ओके जी। तो ये हमें पता चल गया कि जीनोम की जो प्रोसेस आईडी है, जीनोम कैलकुलेटर की जो प्रोसेस आईडी है वो है 9428, ठीक है। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं क्लोज करना चाहता हूँ, किल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कमांड यूज करनी पड़ेगी किल, ठीक है, किल किल स्पेस -9 जो है वो सिग्नल सेंड करता है कि इसको टर्मिनेट करते हैं प्रोसेस, ठीक है। मैं लिखूंगा इसकी प्रोसेस आईडी, इसकी प्रोसेस आईडी है 9428, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा कि ये प्रोसेस जो है, ये एप्लीकेशन या कैलकुलेटर जो है वो चल रहा है, ठीक है, 9428 9428 कमांड होगी किल स्पेस -9 9428 एंटर, ठीक है। ये देखें कैलकुलेटर जो है वो क्लोज हो गया, किल हो गया, ठीक है जी, ठीक है। इस कैलकुलेटर को हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, जीनोम डैश कैलक्यूलेटर, ठीक है जी। अच्छा, इसको प्रोसेस, अभी ये प्रोसेस रनिंग में है, मैं यहाँ पर कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बैकग्राउंड में सेंड करना चाहता हूँ, इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टॉप मैं किस तरह से करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, कंट्रोल मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड से क्या होगा, ये इसको सिग्नल गया कि जो अभी करंट जो प्रोग्राम या प्रोसेस चल रहा है इसको स्टॉप कर दे, ठीक है। तो अब देखें ये कैलकुलेटर खुला तो हुआ है लेकिन आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चला गया, ये स्टॉप चल गया, स्टॉप हो गया, कैलकुलेटर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, फोर्स क्विट नहीं, मैं वेट करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, क्लियर कर दें, अब हम देखेंगे जॉब्स जो हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हमने स्टॉप की हुई हैं या जो बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक जॉब है, अब ये जॉब आईडी है इसकी जो कि स्टॉप हो गई है, तो अब इसको हम किस तरह से रिज्यूम करना चाहे, अगर करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे,
या उसको फॉरग्राउंड में ले जाएंगे, अब ये बैकग्राउंड में चली गई है, ठीक है। फॉरग्राउंड में हम इसको किस तरह से वापस लाएंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे एफ जी परसेंटाइल, ये परसेंटेज और ये इसकी जॉब आईडी 1, ठीक है। अब ये देखें जीनोम कैलकुलेटर जो है वो वापस रीस्टोर हो गया, अब आप दोबारा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़, अच्छा जी मैंने कैलकुलेटर क्लोज किया तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली इसका टर्मिनेट हो गया, ग्रेट। अच्छा जी मैं डायरेक्टली अगर प्रोसेस ये चलाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जीनोम कैलकुलेटर, साथ में एंड सिंबल लगा दूंगा। एंड से क्या होगा, अब ये एप्लीकेशन चलती रहेगी और मेरा मेरा जो टर्मिनल है वो भी फ्री हो गया है, ठीक है। अच्छा जी और ठीक है, जॉब्स जैसे लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक जॉब जो है वो रनिंग है, ठीक है, एक जॉब रनिंग में है, ठीक है। अगर इसको हम फोरग्राउंड में लेना चाहते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, अगेन परसेंटाइल 1, ठीक है। तो ये अब ये फोरग्राउंड प्रोसेस हो गया, पहले बैकग्राउंड था, जॉब जो है वो बैकग्राउंड में चली गई थी, अब ये फोरग्राउंड में है, ठीक है, ओके। अच्छा जी कैलकुलेटर यहाँ पर चलता रहे, सेकंड टर्मिनल पे आ जाते हैं, ओके क्लियर, यस। पीएस के बेसिकली अगर आप मैनुअल देखेंगे तो इसको व्यू करने के डिफरेंट तरीके स्टैंडर्ड्स हैं, तो जो डिस्प्ले स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मैन पीएस। तो इसमें ये कि अगर यूनिक्स की तरह आप देखना चाहते हैं, बीएसडी की तरह देखना चाहते हैं, या जीएनयू लॉन्ग आप देखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आप देखेंगे, पीएस एसओएस माइनस एयूएक्स भी आप लिख सकते हैं, माइनस ईएफ भी लिख सकते हैं, और माइनस हटा के वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, इस तरह से आप प्रोसेस जो हैं वो उसको चेक कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है जी। इसको क्विट करें तो पी एस स्पेस ए यू एक्स, जो हम सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हैं वो आपको सारे प्रोसेस जो है वो शो करेगा। ये देखिए कैलकुलेटर हमने एक चलाया है, जिस यूजर ने चलाया है वो भी हमें बताएगा, ठीक है, ओके जी। तो अगर हम प्रोसेस को किल करना चाहते हैं तो मैंने एक तरीका बताया कि आपको एक किल है, किल, और दूसरी कमांड जो है वो है पी किल, एक है किल किल, दूसरी है पी किल। दोनों में फर्क क्या है, किल कमांड में आपने आगे नंबर देना होता है, प्रोसेस आईडी देनी होती है, ठीक है, और पी किल में आपने प्रोसेस का नाम देना होता है। और पी किल मैं लिखूंगा यहाँ पर जीनेम डैश कैलक्यूलेटर, ठीक है, पीकिल, ओके पीकिल, उसके बाद आप सिग्नल देंगे टर्मिनेट का -9, ठीक है। ये क्लोज नहीं हो रहा, ओके पी एस स्पेस AUX पाइप ग्रेप कैलक्यूलेटर, ठीक है, जीनोम डैश कैलकुलेटर पीकल -9 जीनोम डैश कैलक्यूलेटर, प्रोसेस जो है वो एंड नहीं हो रहा, ठीक है। चलें इसको पहले
इस कमांड का आपको जो है ना मतलब आई गेस क्लियर होगा, मैं दोबारा बता भी देता हूँ। पी एस स्पेस माइनस एक्स AUX, ये क्या करेगा कि ये जा सारे के सारे प्रोसेस दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे जस्ट ये लाइन चाहिए, ठीक है, एक लाइन। तो मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करूंगा, इसको फिल्टर करूंगा, स्क्रीन को फिल्टर करूंगा, ठीक है। ग्रेप पी एस स्पेस AUX पाइप सैंपल ग्रेप एल क्यू लेटर, ठीक है। तो ये मुझे एग्जैक्ट जो इसका प्रोसेस है वो शो करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन जिस लाइन में कैलकुलेटर होगा सिर्फ वही मुझे शो करेगा, बाकी सारी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देगा। तो इसकी जो क्या हमने कीवर्ड्स दिया है उसको फिल्टर करके हमें शो करेगा, ठीक है। ओके तो इसको हम वैसे इस तरह से भी किल कर सकते हैं, किल और -99 के लिए मैंने बताया टर्मिनेट होता है। अच्छा माइनस एक हब होता है, हब HUP, हब का मतलब है कि प्रोसेस को रीस्टार्ट करना, ठीक है। तो अगर हम इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो 9697 इसको मतलब हमने फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में चलाया था, ठीक है। तो ये दोबारा चला लेते हैं, जीनोम डैश कैलकुलेटर, जॉब्स कोई भी बैकग्राउंड में नहीं है। पी एस स्पेस माइनस AUX पाइप ग्रेप कैलक्यूलेटर, ठीक है। तो अब इसको हम रीस्टार्ट अगर करना चाहें तो फॉर एग्जांपल -100034 1004, ठीक है। कमांड कंप्लीटेड, ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा, हैंग हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसी तरह से हम प्रोसेस को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस में यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, वी आई एम टेक स्किल्स डॉट txt, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ES स्पेस AUX पाइप ग्रेप वी आई एम, ठीक है। अब वी आई एम को अगर हम ट्राई करते हैं पी किल से, पी किल -9 VIM, ठीक है। दोबारा वही कमांड चला, अब ये देखें पी जो है वो वी आई एम हमने इसके प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है जी। तो दूसरा ये है कि अच्छा पी एस आप अगर आपको प्रोसेस नंबर पता है तो आप उससे लिस्ट भी ले सकते हैं, पी एस स्पेस -L और प्रोसेस नंबर बता दें, ठीक है। जो भी प्रोसेस है पी आई डी प्रोसेस आई डी पी एस स्पेस -L लिस्ट करें वो प्रोसेस जिसकी आई डी पी आई डी प्रोसेस आई डी 1 है। तो 1 में हमारे पास एक ही प्रोसेस है, ठीक है, वो है सिस्टम डी, क्लियर। अच्छा जी सिस्टम
सिस्टम एडमिन टूल्स में एक कमांड है टॉप, ठीक है, ये आपको अपने पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि करंट डेट एंड टाइम, टाइम करंट टाइम, अप टाइम कितनी देर से ये मशीन अप है, स्टार्ट कब हुई है, यूजर्स इसमें इसमें कितने लॉग्ड इन हैं, ठीक है, इसका लोड एवरेज, करंट लोड एवरेज क्या है, 5 मिनट पहले इसका लोड एवरेज क्या था सीपीयू पे, 15 मिनट पहले क्या था, टोटल टास्क जो इसने स्टार्ट किए हैं या टोटल प्रोसेसर जो स्टार्ट हुए हैं 168 है, अब उसमें रनिंग जो है वो 2 है, स्लीपिंग प्रोसेसेस जो है वो 168 167 जो भी है वो बेसिकली रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, तो इसमें वैल्यूज जो है वो सेकंड्स में चेंज होती रहती है। स्लीपिंग प्रोसेसेस कितने हैं, नहीं है हमारे पास स्लीपिंग प्रोसेसेस। स्टॉप्ड प्रोसेसेस कितने हैं, ज़ॉम्बी प्रोसेसेस कितने हैं, ठीक है। परसेंटाइल सीपीयू, अच्छा ये बेसिकली सीपीयू को जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट, ये समझे कि कुछ प्रोसेसर्स जो सिस्टम्स के हैं, कुछ यूजर्स के हैं, ठीक है, तो परसेंटेज सीपीयू जो है यूजर्स, जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो कितना यूज कर रहे हैं, सिस्टम कितना यूज कर रहा है, सिस्टम के प्रोसेसर्स कितना यूज कर रहे हैं, इसकी नाइस वैल्यू क्या है, आइडल प्रोसेसेस कितने हैं, वेटिंग में कितने हैं, ठीक है, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी इस तरह, क्लियर। अच्छा ये जो है वो किलोबाइट मेमोरी, टोटल मेमोरी जो है वो कितनी है, फ्री कितनी है, यूज कितनी हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वर्चुअल मेमोरी की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद ये जनाब ये जो है प्रोसेस आईडी है, किस यूजर ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है या किस यूजर के थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, प्रायोरिटी नाइस वैल्यू। अच्छा इसमें ये जो दो चीजें हैं ये बेसिकली प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी एप्लीकेशन को या किसी प्रोग्राम्स को हम प्रायोरिटीज भी असाइन कर सकते हैं कि अगर सिस्टम पे लोड ज्यादा हो तो पहले एक स्पेसिफिक, हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन वो रेस्पॉन्ड उसी पे उसको ज्यादा टाइम दे, ठीक है, तो उसके लिए प्रायोरिटी हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे हम, नाइस वैल्यू चेंज करेंगे, बाय डिफॉल्ट नाइस वैल्यू जो है वो 0 है और प्रायोरिटी वैल्यू 20 है। अच्छा ये रेसिप्रोकल्स हैं आपस में, प्रायोरिटी और नाइस वैल्यू, नाइस वैल्यू कम करेंगे प्रायोरिटी बढ़ेगी, नाइस वैल्यू बढ़ाएंगे प्रायोरिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो नाइस वैल्यू में हम दे सकते हैं -19 से 20, ठीक है, -9 से 20, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉरी नाइस वैल्यू मैंने जो आपको बताया कि -19 से 20 के दरमियान होती है, ठीक है, तो -19 जो है वो लोएस्ट है, -20 जो है वो हाईएस्ट नाइस वैल्यू है। अच्छा माइनस नाइस वैल्यू जितनी हम रिड्यूस करेंगे प्रायोरिटी हमारी बढ़ेगी, ठीक है, तो वो हम किस तरह से करते हैं, एक कमांड है नाइस, ठीक है, इसमें देखें कि डिफॉल्ट जो है वो नाइस वैल्यू वो है 10, ठीक है, अगर आप नाइस वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो 10 है, तो -20, अच्छा -20 से लेके 19 तक है, ठीक है जी, -20 to 19, ओके okay. अच्छा तो अगर हम किसी प्रोसेस को, जैसे अगर हम इसमें देखें कि
VIM first dot txt, ठीक है, ये एक फाइल है और इसकी प्रायोरिटी हम देखते हैं. ये देखें, वी आई एम प्रोसेस है, इसकी प्रायोरिटी क्या है 20, नाइस वैल्यू क्या है 0, ठीक है. अच्छा, अगर हम मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट हो जाए, ठीक है, तो मैं इसकी नाइस वैल्यू जो है वो -20 कर दूंगा. लेट्स चेक, इसको पहले एग्जिट कर देते हैं. अच्छा, अब जब आप प्रोसेस या किसी प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं तो नाइस कमांड के थ्रू आप स्टार्ट करते हैं, नाइस और माइनस उसकी माइनस एन इसकी जो वैल्यू है वो -20 कर देते हैं और फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. वी आई एम एग्जाम्पल फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है. तो पहले आपने चेक किया था कि इसकी वैल्यू क्या थी वी आई एम की, ठीक है, प्रायोरिटी 0 हो गई है. एक सेकंड, इसको दोबारा चलाते हैं. -19, VIM, ओके, -19, इसकी प्रायोरिटी जो है नाइस वैल्यू -19 है और प्रायोरिटी इसकी 1 हो गई, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी, जितनी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी तो वो उसको जो है सीपीयू ज्यादा टाइम देगा. अच्छा, ये वैल्यू जैसे ही कम होगी, ठीक है, सॉरी, जैसे ही बढ़ेगी और तो उसके साथ ये भी बढ़ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं नाइस इसमें करता हूँ 15, नाइस -n 15. अब देखते हैं इसमें वी आई एम का जो प्रोसेस है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है. तो अब इसको हमने जो नाइस वैल्यू है वो ज्यादा दी है, तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो कम होनी चाहिए, ये कम होगी, ठीक है. तो इसको प्रायोरिटाइज जो है वो इसको प्रायोरिटी नहीं होगी, इससे प्रायोरिटी जो है वो उसकी ज्यादा होगी जिसकी नाइस वैल्यू कम है, ठीक है, ये नाइस वैल्यू ज्यादा है. अच्छा जी, तो एक तो ये तरीका है. दूसरा, अगर आपने एक प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी आपने चेंज की थी, अब आपने वापस डिफॉल्ट पे लानी है, तो आप कमांड यूज करेंगे उसके लिए. टैब ओपन में कर लेता हूँ, कमांड यूज करेंगे री नाइस -n. तो अभी हमने जो इसकी प्रोसेस इसकी नाइस वैल्यू है 15, मैं इसको चेंज करता हूँ 10 पे ले आता हूँ. टेन प्रोसेस आईडी क्या होगी इसकी, इसकी प्रोसेस आईडी जो है वो है 10457. ठीक है जी, अब ये देखें कि ओल्ड प्रायोरिटी इस प्रोसेस की प्रोसेस आईडी ओल्ड प्रायोरिटी जो थी वो 15 थी, न्यू प्रायोरिटी जो है वो 10 हो गई, ठीक है.
ठीक है, डेटा एन है, क्लियर। दैट्स इट। तो ये था प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें उमन जो चीजें यूज होती हैं वो होती हैं प्रोसेस को किल करना, रीस्टार्ट करना, और प्रोसेस फाइंड करना कि कौन सा प्रोसेस जो है वो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, टॉप ओके, वेट करते हैं, दोबारा देख लेते हैं। आई होप कि ये आपको चीजें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।